नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड इवनिंग। शाम के 4 यहां पर बज चुके हैं। चलिए फटाफट से अब क्लास की यहां पर करते हैं शुरुआत आप सभी के साथ। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग यानी कि शुभ संध्या आप सभी को। और यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारियां फटाफट से यहाँ पर इसको करते हैं कंप्लीट और क्लास की करते हैं यहाँ पर शुरुआत। कंप्लीट कोर्स हिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपका अनअकैडमी पर चल रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर जाकर। रात 10 बजे से 11 बजे के बीच में पर डे 1 घंटे की क्लास आपको यहां पर हिस्ट्री की देखने को मिलेगी। अनअकैडमी पर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। SSC एग्जाम सेक्शन पर क्लिक कीजिए, नाम के यहाँ पर सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पर मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। प्रोफाइल पर क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल पर क्लिक करके आप लोग क्लास को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब क्लास के यहाँ पर करते हैं शुरुआत आप सभी के साथ। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं प्रतिदिन सुबह 11 बजे सुबह 11 AM पर और प्रतिदिन सुबह प्रतिदिन दोपहर यहाँ पर 1 बजे से आपकी यहाँ पर 2 क्लासें 2 घंटे की क्लासें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोनों ही क्लासों का आनंद उठाइए और फटाफट से जाइएगा अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और कल से यहाँ पर क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू करिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास को आप सभी के साथ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो जंक्शन बिंदु आपका बनता है, जंक्शन यानी कि जहां पर वे दोनों क्रॉस करते हैं आपको बताना है वो जंक्शन किस नाम से आपका जाना जाता है। विच इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। फटाफट से यहाँ पर मुझे बताइएगा कि सही जवाब यहाँ पर आपका क्या बनेगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पर हैं, जावड़ी हिल्स, अनामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स और शिरोवॉय हिल्स। फटाफट यहाँ पर बताइएगा कि कौन सी पहाड़ियां। ये बहुत ही आसान प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है। अगर मैं बात करता हूँ भारत की तो ये आपका गुजरात का हिस्सा, ये आपका जाता है केरल तमिलनाडु तक और ये इस तरीके से आपका कुछ इंडिया का नीचे का भाग आपका फैला हुआ है। गुजरात से लेकर केरल राज्य तक आपके वेस्टर्न घाट आपके यहाँ पर इस तरह से फैले हुए हैं और यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यू फॉर्म में आपके यहाँ पर पूर्वी घाट फैले हुए हैं। दोनों का जंक्शन पॉइंट आपका जो बनता है वो नीलगिरी हिल्स आपका यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न, लोहे के बुरादे और रेत के मिश्रण को किसके द्वारा आपका अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय, इसे हीट करके गर्म करके अलग किया जा सकता है। इसको सब्लिमेशन यानी कि उच्च बनाने की प्रक्रिया हाई टेम्परेचर पर इसके हिसाब से इसको अलग किया जा सकता है। हैंड पिकिंग, एक एक करके हाथ से आप लोहे के बुरादे और रेत के मिश्रण को अलग कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक जो सेपरेटेशन होता है उसके माध्यम से चुंबकीय पृथक्करण, क्योंकि चुंबकीय पृथक्करण की प्रक्रिया के तहत लोहे का जो बुरादा होता है वो आपका मैग्नेटिक में चिपक जाता है और रेत आपका मैग्नेटिक में नहीं चिपकता। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर इस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, लोहे और बुरादे को और रेत के मिश्रण को आसानी से आपका अलग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं फटाफट फटाफट लाइक और शेयर यहाँ पर करते हुए चलें। फटाफट से यहाँ पर लाइक करें और शेयर करें क्लास को ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जुड़ सकें। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है, राज्यसभा द्वारा भी इसे पास्ड माना जाता है। जब उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। जब उच्च सदन द्वारा कोई भी कार्यवाही आपकी इतने दिनों के अंदर नहीं की जाती, दिन आपके सामने है, एक मनी बिल आपका पास समझा जाता है और ये मनी बिल आपका लोकसभा से तो आपका पास हो चुका है एंड इज डीम्ड टू हैव बीन पास और ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा में भी आपका पास हो चुका है। जब कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता अपर हाउस के द्वारा लगभग कितने दिनों तक, 10 दिनों तक, 12 दिनों तक, 14 दिनों तक और 16 दिनों तक, तो सही जवाब यहां पर बनता है 14 डेज। मनी बिल जो कि आपका लोकसभा से पास हो चुका है, मनी बिल जो कि आपका लोकसभा से पास हो चुका है, ये राज्यसभा आपका जाता है और राज्यसभा इस बिल पर अगर 14 डेज तक कोई भी निर्णय नहीं लेती, कोई भी एक्शन नहीं थी, तो ये अपर हाउस में भी आपका पास यहां पर माना जाता है। जितने भी लोगों ने 14 डेज यहां पर आंसर किया है वो यहां पर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा। राज्यसभा में किस रंग का कारपेट बिछा होता है, तो राज्यसभा में आपका जिस रंग का कारपेट बिछा होता है उसका आंसर आप लोग देंगे और लोकसभा में जिस रंग का कारपेट आपका बिछा होता है वो आपका ग्रीन कलर का कारपेट होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार आपसे पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछ लेता है, ये याद रखिएगा। क्लियर रहा यहां पर? ठीक है,
अगला प्रश्न, भारत में माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहां पर मौजूद है? स्टैटिक जीके का सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा वेयर इन इंडिया इज द माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड। ये गुजरात राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है, बिहार में है या छत्तीसगढ़ में है? कुछ लोग यहाँ पर माधवराव जी सिंधिया के नाम को सुनकर ही इसका आंसर गलत कर देते हैं, इसका आंसर रॉन्ग कर देते हैं। फटाफट से बताइएगा, रेड कार्पेट आपका राज्यसभा में बिछा होता है याद रखिएगा, और ग्रीन कार्पेट आपका बिछा होता है कहां पर? ये आपका लोकसभा में आपका बिछा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। राज्यसभा के जो चेयरमैन आपके होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट आपके होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति इसके प्रेसिडेंट आपके होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो वहां पर स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ओम बिरला साहब आपके जो बनते हैं वो आपके क्या बनते हैं? चलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो बनता है वो बनता है गुजरात स्टेट। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर मौजूद है? ये आपका गुजरात राज्य में मौजूद है, याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर दिक्कत ना आए। और कौन सा क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर बनता है? अगर आप बताना चाहें तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, कौन सा क्रिकेट ग्राउंड बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपका बनता है? फटाफट से लिखकर यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, माधवराव सिंधिया नाम अच्छा नहीं है, माधवराव सिंधिया आपके शासक रहे हैं, राजा रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर में पूरी ग्वालियर के राजाओं में से एक रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, यह किस बैंक की टैगलाइन आपकी बनती है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कर्नाटका। ये बैंक अभी हाल ही में आपका चर्चा का विषय बना रहा था याद रखिएगा, और इस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा सन 2004 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में मौजूद है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है यस बैंक। हाल ही में एलआईसी के द्वारा यस बैंक में अपना शेयर यहां पर खरीदा गया है। यस बैंक में शेयर होल्डिंग यहां पर एसबीआई के द्वारा भी खरीदी गई थी 49% और एलआईसी के द्वारा भी आपकी खरीदी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट आपका कहां पर मौजूद है? वेयर इज द नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट लोकेटेड? चार ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन कुछ दिनों पहले भी आपका डिस्कस हुआ था स्टैटिक जीके में ही। नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट आपका कहां पर है? असम में है। जिला आपका बनता है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। क्या बनता है? गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिए। भारत में रिफाइनरी सेक्टर में, यानी कि जो आपका क्रूड ऑयल आता है उसके रिफाइनरी सेक्टर के लिए भारत में करीब करीब 13 के आसपास रिफाइनरियां हैं, जिनमें से सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी रिफाइनरी का नाम क्या बनता है जो कि गुजरात में आपका मौजूद है? फटाफट से यहां पर मुझे बताइएगा कि गुजरात में जो आपकी रिफाइनरी आपकी मौजूद है उसका नाम यहां पर क्या बनता है? फटाफट से लिखकर यहां पर बता दीजिएगा। यह सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट रिफाइनरी बनती है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। अगला प्रश्न, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में आपका स्थित है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो अपन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अजीबोगरीब नाम आपसे वहां पर पूछ लिए जाते हैं। जब भी आपके नाम आते हैं तो कई बार लोगों का रहता है सर हमें तो ये पता ही नहीं है क्योंकि अजीबोगरीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर आई थी। तो फिर भी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि हर क्लास में एक या दो ऐसे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के नाम में लेकर आऊं जिनको आपको मैं रिवाइज करा पाऊं। सही जवाब आपका यहां पर यह बनता है, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पंजाब राज्य में आपकी मौजूद है। कहां पर बनेगी? पंजाब राज्य में मौजूद है। जितने भी लोगों ने जामनगर आंसर किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की भारत की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी आपकी मौजूद है वो आपकी गुजरात राज्य में मौजूद है और रिलायंस आपकी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनती है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण पंजाब राज्य में आपका मौजूद है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर रहा यहाँ तक सारी बातें? चलिए अगला प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूँ तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन एनुअली बाय द भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर मूर्ति देवी पुरस्कार आपका दिया जाता है। आपको ये बताना है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में? फटाफट से बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। मूर्ति देवी पुरस्कार, सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, जिसका सही जवाब आपका बनेगा लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आपका मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। अगला प्रश्न, बारदोछम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य आपका यहाँ पर बनता है? बारदोछम की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो बारदोछम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बारदोछम इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और तेलंगाना। असम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और तेलंगाना। फटाफट से मुझे यहाँ पर बताइएगा कि सही जवाब आपका यहाँ पर क्या बनेगा। फटाफट से आपने बताएगा सही जवाब आपका यहाँ पर क्या बनेगा। बारदो छम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके स्टेट बनते हैं उनके पारंपरिक नृत्यों के नाम भी थोड़े आपके अजीब हैं, थोड़े से आपके कठिन हैं, इसलिए आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए। मुल्ला पेरियार बांध विवादों में रहता है, हमेशा खबरों में रहता है। यह बांध किस राज्य में आपका स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द मुल्ला पेरियार डैम आपका लोकेटेड? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मुल्ला पेरियार डैम किस नदी पर है? तो उसका आंसर आपको इसी डैम के नाम में मिल जाएगा। मुल्ला पेरियार तो नदी का नाम जो बनता है, रिवर का नाम जो बनता है, वो आपका बनता है पेरियार रिवर। क्या बनता है? पेरियार रिवर। यहाँ पर नदी का नाम बनता है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम और केरला। सही जवाब यहाँ पर बनता है केरला। केरल के अलावा केरल राज्य का किस राज्य के साथ, केरल राज्य का किस राज्य के साथ हमेशा मुल्ला पेरियार बांध को लेकर विवाद बना रहता है, जिसमें राज्यों का यहाँ पर यह कहना है कि ज्यादातर पानी केरल राज्य यहाँ पर ले लेता है, उनके लिए यहाँ पर कम पानी प्राप्त हो पाता है। फटाफट से बताइएगा उस राज्य का नाम जो कि केरल के साथ हमेशा विवादों में बना रहता है मुल्ला पेरियार बांध को लेकर। फटाफट से यहाँ पर क्लिक करके बताइएगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करते हुए चलिएगा। क्लास के नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आपको नजर आएगा शेयर करने का, तो फटाफट वीडियो की लिंक को यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों। शेयर बटन पर क्लिक करके फेसबुक पर सिंपली शेयर कर दीजिएगा। 400+ आराम से आप एक बार अगर इसे शेयर करेंगे, देख लीजिएगा 400 से ऊपर आज की क्लास आपकी जाएगी। तो बस गुरु दक्षिणा के तौर पर इस क्लास को सफल बनाए। फटाफट से क्लास की लिंक को एक बार फेसबुक पर शेयर कर दें, देख लीजिएगा 400+ ये क्लास आपकी आराम से जो स्टूडेंट है वो आपके पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न, किस देश को गोल्डन पैगोडा की भूमि भी आपका कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा? बेल्जियम को कहा जाता है, वियतनाम को कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है या फिर नेपाल को कहा जाता है? गोल्डन पैगोडा की भूमि किसे कहा जाता है? और इंडिया में अगर मैं बात करता हूं, इंडिया में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी आपका जाना जाता है? ये प्रश्न भी आपके लिए पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर पैगोडा से बनकर तैयार होते हैं। गोल्डन पैगोडा की भूमि चार ऑप्शन और ब्लैक पैगोडा इंडिया में किस मंदिर को यहाँ पर कहा जाता है, फटाफट से यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही भगवान अयप्पा का मंदिर मौजूद है, जिसको हम लोग सबरीमाला मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि केरल राज्य में आपका मौजूद है और काफी लंबे समय से विवादों में भी आपका बना रहा है। यहाँ पर सही जवाब तो बनेगा म्यांमार। अब ब्लैक पैगोडा कैसे कहा जाता है भारत में, फटाफट से ये लिखकर, हाँ म्यांमार जितने भी लोगों ने आंसर किया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब ब्लैक पैगोडा के नाम से कैसे जाना जाता है, फटाफट से यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा। सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क का सन टेम्पल, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, बाहुबली त्योहार किससे आपका रिलेटेड है, किससे आपका संबंधित है? द बाहुबली फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, ये इस्लाम धर्म से आपका संबंधित है, हिंदू धर्म से आपका संबंधित है, बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है या फिर जैन धर्म से आपका संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है आपका बाहुबली का त्योहार? यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बाहुबली देवता की तस्वीर है। ये किस धर्म से संबंधित है? ये आपके जैन धर्म से जुड़े हुए देवता हैं, याद रखिएगा बाहुबली। और इनकी जो तस्वीर यहाँ पर, ये जो स्टैचू आपको देख रहे हैं, ये सिरवण बेलगोला कर्नाटक में इनका स्टैचू आपका बना हुआ है, जिसको यहाँ पर राज्याभिषेक इनका यहाँ पर किया जा रहा है। तो हर साल कर्नाटक में ये त्योहार आपका बाहुबली त्योहार आपका मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर क्लियर रहा सभी को। हाँ, जैन धर्म जितने भी लोगों ने यहाँ पर आंसर किया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैन धर्म में आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। 24वें तीर्थंकर का नाम आपका बनता है महावीर स्वामी, लेकिन पहले तीर्थंकर कौन थे, फटाफट से लिखकर मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा कि फर्स्ट तीर्थंकर का नाम यहाँ पर क्या बनता है। ओके, पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। हंस के लेखक आपके कौन बनते हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द मानस का हंस, मतलब कि मानस के हंस नामक किताब के लेखक कौन बनते हैं? खुशवंत सिंह जी बनते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी बनते हैं, जयशंकर प्रसाद जी आपके बनते हैं, अमृत लाल नागर यहाँ पर बनते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की तो हमने हर तरह की कहानी और किताबों को आपका पढ़ा है, चाहे फिर वो ईदगाह हो, चाहे फिर मुंशी प्रेमचंद जी का गबन हो, निर्मला हो, नमक का दरोगा हो। खुशवंत सिंह जी की एक किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपकी बनती है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये यहाँ पर आप लोग यहाँ जरूर रखिएगा। सही जवाब आपका बनता है अमृत लाल नागर। क्या बनता है? अमृत लाल नागर, ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। मानस का हंक बुक के लेखक,
आपके बनते हैं अमृत लाल नागर। किसी ने आंसर दिया नहीं मुंशी प्रेमचंद जी, गलत जवाब होगा। मुंशी प्रेमचंद मैंने केवल कंफ्यूज करने के लिए डाला था, और बहुत सारे लोग जो मुंशी प्रेमचंद आंसर कर रहे हैं वो गलत यहाँ पर हो गए हैं। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। हाँ ऋषभ देव, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है पार्श्वनाथ या फिर ऋषभ देव, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा निकाय समाचार पत्रों के संचलन आंकड़ों को यहाँ पर प्रमाणित करता है, मतलब कि जो आपके कैलकुलेशन फिगर्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर में आपके पब्लिश किए जाते हैं, ये कैलकुलेशन फिगर को सर्टिफाई करने वाली बॉडी का नाम आपका यहाँ पर क्या बनता है? ISI, PTI, AINEC या फिर ABC, मतलब कि न्यूज़पेपर जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप बहुत तरह के अलग अलग फिगर्स या आंकड़े आप लोग देखते हैं। ये आंकड़े न्यूज़पेपर ने तो पब्लिश कर दिया, जनता पढ़ती है बिलीव कर लेती है, लेकिन इन सभी फिगर्स को सर्टिफाई का काम कौन सी बॉडी करती है? तो ये ABC नामक बॉडी करती है, PTI नहीं करती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI जो आपकी बनती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की एक पब्लिशिंग एजेंसी है, ये सर्टिफाई नहीं करती इन फिगर्स को। सर्टिफाई करने का काम, अब एक ने PTI लिखा तो सबने PTI लिख दिया। अगर आंसर नहीं पता है तो चुपचाप स्किप लिखो, ऊपर वाला व्यक्ति जिसने PTI लिखा है वो आपके एग्जाम में आपको आंसर नहीं बताने वाला। तो अगर पता है तभी आंसर टिक करो, और ये आदत बहुत खराब है कि गलत आंसर किसी का देख के हम भी यहाँ पर टिक कर दें और हम भी दिखा दें अरे हमारा भी सही हो जाएगा। नहीं, अपने आप को इवेल्युएट करना है। आधे घंटे की क्लास होती है, उसमें भी दूसरों को देख कर अगर आंसर करोगे तो फिर गए। अपनी ईमानदारी से, क्योंकि सर आपकी ईमानदारी चेक करने नहीं आ रहे, ना कोई दूसरा व्यक्ति चेक करने आएगा, आपकी ईमानदारी ऑटोमेटिक चेक हो जाएगी एग्जाम में। तो अपने लिए ईमानदार बनो, जितना खुद को आता है उतना ही आंसर देना, किसी दूसरे कमेंट के चक्कर में मत पड़ना। ABC यहाँ पर सही जवाब बनेगा। एक बार अनअकैडमी पर मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था। ABC सर क्या होता है फुल फॉर्म बता दीजिएगा। फुल फॉर्म बनता है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, नोट कर लीजिएगा, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC इज ऑफ इंडिया इज अ नॉन प्रॉफिट सर्कुलेशन ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट सर्टिफाइज, यही सर्टिफाई करता है एंड ऑडिट भी करता है ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द मेजर पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के अलावा जो मैगजीन में आपकी कैलकुलेशन और जो डेटा आता है ये उसको भी यहाँ पर सर्टिफाई करता है। अब अगर एग्जाम में सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर लोकेटेड, देन योर आंसर इज मुंबई। क्या बनेगा आंसर यहाँ पर? मुंबई यहाँ पर आंसर आपका बनेगा, ये याद रखिएगा। ओके अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस जानवर का रंग अपने रंग से प्राप्त होता है, मतलब कि उस जानवर को उस जानवर की त्वचा के रंग से आपका जाना जाता है। विच ऑफ दीज एनिमल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स कलर, एलिगेटर, बारहसिंगा, नीलगिरी तहर या फिर नीलगाय। एलिगेटर की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, घड़ियाल, घड़ियाल का जो मुंह होता है ये मगरमच्छ जैसा ही होता है, लेकिन घड़ियाल का क्या होता है, थोड़ा सा जो मुंह होता है वो एक लंबी सी चोंच आपकी होती है, और इस चोंच के आगे की तरफ, घड़ियाल जो आपका होता है उस चोंच के आगे की तरफ घड़ियाल के क्या होता है, एक घड़े के मुंह के जैसी आकृति बनी होती है। इसी वजह से घड़ियाल को यहाँ पर ये आंसर मतलब कि ये नाम आपका दिया गया है। ठीक है, घड़ियाल को यहाँ पर चश्मा पहना देते हैं आराम से। घड़ियाल भाई साहब यहाँ पर चंबल नदी में गोते मार रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है, बारहसिंगा के जो सींग होते हैं उनमें 12 जोड़ी होते हैं, इस वजह से इसको रेंडियर यानी कि बारहसिंगा कहते हैं। यहाँ पर सही जवाब आपका नीलगाय बनता है। अगर किसी ने भी नीलगाय को आपका देखा होगा तो उसके शरीर और उसकी त्वचा का रंग हल्का नीला आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। नीलगाय भारत के किस राज्य या फिर भारत के किस राज्य का स्टेट एनिमल बनता है नीलगाय? फटाफट से राज्य का नाम यहाँ पर लिखकर मुझे बता दीजिएगा कि नीलगाय भारत के किस स्टेट का स्टेट एनिमल यहाँ पर बनता है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल बनता है। शिवा चौधरी जी, नीलगिरी तहर का रंग नीला नहीं होता, नीलगाय का रंग जरूर नीला आपका होता है। नीलगिरी तहर तो एक तरह की बकरी या बकरे की प्रजाति होती है जहां तक। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन सा भारतीय क्रिकेट टीम का कभी भी आपका कोच नहीं रहा? विच क्रिकेटर हैज नॉट बीन द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? ग्रेग चैपल, अनिल कुंबले, गैरी कस्टन, सौरव गांगुली। अभी महेंद्र सिंह धोनी जी ने यहाँ पर क्या लिया, क्रिकेट से संन्यास यहाँ पर ले लिया है। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं, लेकिन यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, खिलाड़ी रहे, कोच नहीं रहे, माफी चाहूंगा। तो ग्रेग चैपल साहब की बात करें, ये तो आपके भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं। अनिल कुंबले साहब भी कुछ समय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं। गैरी कस्टन साहब उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे जब भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप आपका जीता था। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के आपके क्या रहे हैं, ये कैप्टन रहे हैं।
प्लेयर रहे हैं लेकिन कभी भी कोचिंग नहीं दी। ये वर्तमान में बीसीसीआई के क्या बनते हैं, ये वर्तमान में बीसीसीआई के आपके प्रेसिडेंट बनते हैं, ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो सौरव गांगुली यहाँ पर सही जवाब आपका यहाँ पर बनेगा, क्लियर है। अगला प्रश्न, भारत के किन पड़ोसी देश में या भारत के किस पड़ोसी देश में तमिल भाषा जो आपकी बनती है वो आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज तमिल वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और मलेशिया। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिएगा। तमिल भाषा आधिकारिक भाषाओं में से एक आपकी बनती है, इनमें से किस पड़ोसी देश में। सही जवाब यहाँ पर बनेगा आपका श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। ये पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी से ये आपका अलग होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका आपका अलग होता है। श्रीलंका में अभी चौथी बार यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली है महिंद्रा राजपक्षे साहब ने। उनके छोटे भाई का नाम बनता है गोटेभाया राजपक्षे, जो कि वहां पर क्या है आपके प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था इसी साल 2020 में, जो आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ था ना 2019 वाला, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो वहां पर आंसर आपका बन जाएगा गोटेभाया राजपक्षे। चौथी बार प्राइम मिनिस्टर आपके बने हैं कौन, महिंद्रा राजपक्षे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इन पर्यटन स्थलों में से किसने आसपास की पांच पहाड़ियों से अपना नाम प्राप्त किया है। मतलब कि ये जो आपका टूरिस्ट प्लेस बनता है, इस टूरिस्ट प्लेस का जो नाम है वो आसपास की पांच पहाड़ियों से बनता है। विच ऑफ दिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गॉट्स इट्स नेम फ्रॉम फाइव हिल्स अराउंड इट। पणजी, पंचकुला, पौंडीचेरी, पंचगनी। फटाफट से बताएगा सही जवाब आपका यहाँ पर क्या बनेगा। पूरी फैमिली ही यहाँ पर इस समय संसद में है। हाँ बिल्कुल, एक प्राइम मिनिस्टर है तो एक प्रेसिडेंट है, वाह क्या बात है। तो समझ गए ना, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर बताओ पणजी, पंचकुला, पौंडीचेरी और पंचगनी। सही जवाब यहाँ पर बनता है पंचगनी। पंचगनी कहाँ पर मौजूद है, पंचगनी जो आपका फेमस टूरिस्ट स्टेशन है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। पंचगनी का नाम आसपास की पांच पहाड़ियों के नाम पर है, बाकियों का नाम कैसे पड़ा ये तो फिर वहां के लोकल लोग ही बता सकते हैं। अगला प्रश्न, शिशु किस भारतीय लेखक और का साहित्यिक कार्य यहाँ पर बनता है। शिशु इज अ लिटररी वर्क, शिशु इज अ लिटररी वर्क ऑफ विच इंडियन ऑथर। ये विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखित किताब है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखित किताब है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित किताब है, या फिर अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है शिशु नामक साहित्यकार। सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु जी के नाम से इनको हम जाना जाता है। 1913 में पहले एशियाई व्यक्ति बनते हैं, पहले भारतीय व्यक्ति बनते हैं जिन्हें नोबल लिटरेचर नोबल प्राइज से आपका सम्मानित किया गया था। तो ये संख्या और ये ईयर भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इनके ही बड़े भाई किनके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई जिनका नाम बनता है सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, ये भारत के पहले ICS अधिकारी थे, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज को या चुने जाने वाले जो अधिकारी थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने भारत में किसकी शुरुआत की थी, सिविल सर्विसेज की शुरुआत आपकी की थी। दुनिया में सबसे पहले सिविल एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए इंपीरियल एग्जामिनेशन, यानी कि दुनिया में वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर सिविल सर्विसेज अधिकारियों की नियुक्ति आपकी की जाती है, तो दुनिया में सबसे पहले इंपीरियल एग्जामिनेशंस के नाम से सिविल सर्विसेज की शुरुआत, इंपीरियल एग्जामिनेशंस के नाम से सिविल सर्विसेज की शुरुआत चाइना नाम के कंट्री में हुई थी। ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, चाइना नाम का कंट्री ही पेपर, सबसे पहले पेपर का आविष्कार भी चाइना ने ही किया था, और सबसे पहले पेपर से किताबें यानी कि बुक का आविष्कार या बुक छापने का जो शुरुआत थी वो भी चाइना ने ही की थी, और सबसे पहले पेपर करेंसी भी जो कागजी मुद्रा है वो भी आपकी चाइना ने ही छापी थी, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे पहले आपका क्या यहाँ पर किया है, ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे पहले आपकी जो प्लास्टिक करेंसी होती है उसको यहाँ पर प्लास्टिक करेंसी को यूज किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंग्रेजी फिल्म पहली बार हिंदी में आपकी डब की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश फिल्म वाज द फर्स्ट वन टू बी डब्ड इन हिंदी। अलादीन फिल्म, स्पीड, यूनिवर्सल सोल्जर या फिर क्लिफ हैंगर। पूछा जा सकता है, अजीब व गरीब नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो फटाफट से बताइएगा किस अंग्रेजी फिल्म को पहली बार हिंदी में आपका डब किया गया था। फिल्म का नाम आपका यहाँ पर बनता है अलादीन। क्या बनता है फिल्म का नाम, फिल्म का नाम आपका बनता है यहाँ पर अलादीन, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस जानवर की जो
आंख होती है वो सबसे बड़ी आंख होती है, जो कि इंसानी आंख के मुकाबले 10 गुना अधिक बड़ी होती है। फटाफट से बताइएगा सही जवाब आपका यहाँ पर क्या बनेगा। विश्व में किस जानवर की आंख सबसे बड़ी होती है जो कि इंसानी आंख के मुकाबले 10 गुना आपकी अधिक बड़ी होती है? ये व्हेल मछली की आंख होती है, नेवले की आंख होती है, गैलागो की आंख होती है, या फिर विशाल स्क्विड यानी कि जायंट स्क्विड की आपकी यहाँ पर आंख बनती है? तो यहाँ पर जो जानवर आपको नजर आ रहा है ये व्हेल तो नहीं है और ना ही नेवला है, ये आपका विशाल स्क्विड बनता है और इसकी आंख इंसानी आंख से 10 गुना अधिक बड़ी होती है, याद रखिएगा। मूलतः पंचतंत्र की बात करते हैं, पंचतंत्र किताब, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पंचतंत्र सबसे पहले मूलतः किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, कालिदास जी के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा? सही जवाब यहाँ पर बनता है विष्णु शर्मा जी के द्वारा, याद रखिएगा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा ही पंचतंत्र की किताब सबसे पहली आपकी लिखी गई थी। Which of the following is not a dance from the Kerala? निम्नलिखित में से कौन केरल का नृत्य आपका नहीं बनता है? कथकली की अगर मैं बात करता हूँ, मोहनी अट्टम की बात करता हूँ, ओट्टन थुल्लल की बात करता हूँ, और यक्षगण, यक्षगण की मैं बात करता हूँ, यक्षगण जो आपका नृत्य बनता है, ये आपका कर्नाटका का एक प्रसिद्ध नृत्य बनता है। बाकी के सभी नृत्य आपके केरला राज्य से ही आपके संबंधित हैं, जिनमें से मोहनी अट्टम जो आपका है वो एक तरह का सोलो डांस होता है, जो कि एक ही व्यक्ति इसमें आपका परफॉर्म यहाँ पर करता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्गली मेज्ड, बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन गलत तरीके से आपका मेल खाता है? ये सभी क्वेश्चन अभी कुछ ही दिनों पहले आपके डिस्कस हुए थे, 4-5 ऐसे क्वेश्चन जिनको रिवीजन के लिए डाला था। कुतुब मीनार दिल्ली में है, बिल्कुल सही। आगरा ताजमहल, बिल्कुल सही। अजंता केव्स मध्य महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। और चार मीनार लखनऊ, तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में है, ना कि लखनऊ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बनेगा। अपने मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इश्यू फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू इट्स वोटर, मतलब कि पहले आपका वोटर आईडी कार्ड पे हमारी और आपकी तस्वीर नहीं हुआ करती थी, गंदी सी जो कि अभी आती है, वो पहले आपकी फोटो नहीं होती थी, अब ये फोटो आपकी बन के आई। तो सबसे पहला भारतीय राज्य जिसने फोटो का इस्तेमाल, वोटर की फोटो यहाँ पर छापनी शुरू की थी, वो आपका हरियाणा स्टेट था, ये याद रखिएगा। 1907 से वांगचुक वंश के शासकों ने, लास्ट के आपके 4-5 क्वेश्चन आपके क्या है, रिवीजन वाले हैं। 1907 से वांगचुक वंश के शासकों ने किस देश पर आपका शासन किया है, और अभी भी इस देश पर इन्हीं शासकों का यहाँ पर शासन है? सही जवाब बताइएगा फटाफट, भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया और ब्रुनेई। सही जवाब सर यहाँ पर भूटान बनता है, क्योंकि भूटान के वर्तमान किंग का नाम बनता है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, लास्ट में वांगचुक लगा हुआ है। 1907 से लेकर इस देश पर इसी वंश के शासकों का शासन आपका चल रहा है, और भूटान भारत के सभी पड़ोसी देशों में से, भूटान भारत के सभी पड़ोसी देशों में से सबसे छोटा पड़ोसी देश बनता है, जो कि एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कंट्री आपका बनता है। वर्तमान में लोकसभा में एकमात्र सांसद कौन है जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं? हु इज द ओनली एमपी इन द लोकसभा हु इज ऑल्सो एन ओलंपिक मेडलिस्ट? अभिनव बिंद्रा ये आपके सांसद नहीं है, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में, कर्णम मल्लेश्वरी ये जानी मानी आपकी वेट लिफ्टर रही हैं, गगन नारंग ये जाने माने शूटर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर कुछ समय तक आपके खेल मंत्री भी रह चुके हैं, और ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में आपके बैठते हैं, तो ये ओलंपिक मेडलिस्ट आपके रह चुके हैं, सिल्वर मेडलिस्ट आपके रह चुके हैं, याद रखिएगा। संजय बारू की पुस्तक बनती है, संजय बारू जी जो आपके हैं वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के सचिव आपके रह चुके हैं, पर्सनल सेक्रेटरी आपके रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने इस प्रधानमंत्री को यहाँ पर एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बताया है, कि जो एक्सीडेंटली जिनको प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर घोषित किया गया था, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, HD देवेगौड़ा, करेक्ट आंसर बनता है मनमोहन सिंह। और ये एक्सीडेंट 2 बार हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह जी भारत में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, मतलब 5-5 साल के 2 कार्यकाल इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट किए। तीसरी बार सबसे अधिक स्वतंत्रता दिवस पर स्पीच और ध्वज फहराने का जो रिकॉर्ड है वो मनमोहन सिंह जी के नाम पर है। इनकी जो सबसे लास्ट किताब जो मनमोहन जी ने लिखी थी वो आपकी बनती है चेंजिंग इंडिया,
इंडिया कई एग्जाम में आपकी पूछी गई है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक, ये इनके द्वारा लिखी गई सबसे अंतिम पुस्तक आपकी बनती है। करेक्ट आंसर मनमोहन सिंह जी यहाँ पर आपके बनेंगे। तो इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर क्लास की आपकी यहाँ पर हो जाती है समाप्ति। अन अकेडमी पर सुबह 11 बजे और दोपहर में 1 बजे आप स्टैटिक जीके का वहां पर क्लास जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और अन अकेडमी पर हिस्ट्री का कोर्स भी आपका चल रहा है जो कि आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री को हम लोग वहां पर थ्योरी फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके सब्सक्रिप्शन के लिए आप Target10 कोड का यूज करेंगे। Target10 विदाउट स्पेस आपको यहां पर लगाना है, 10% डिस्काउंट और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको इसी कोड से आपको यहां पर मिल जाएगा। अन अकेडमी पर सुबह 11 बजे, मैं आपको बता देता हूं, सुबह 11 बजे क्लास चलती है अन अकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटे, और वहां पर 1 बजे दोपहर में आपकी क्लास चलती है। तो दोनों ही क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर ऑल इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स आपके जुड़ते हैं वहां पर भी आप जुड़ेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिशियल यहां पर रहने वाला है। तो आप सभी का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन क्लास को ज्वाइन करने के लिए। कल फिर मुलाकात करेंगे शाम 4 बजे आप सभी के साथ। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत